हाउ आर यू एवरी वन। आज हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ईवीएस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 है। जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम आज पढ़ेंगे। तो हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 पढ़ा था आगे के वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली, यानी हमें ठीक से कॉलम मैच करने हैं। तो फर्स्ट है रिया, तो रिया क्या था, रिया का के सामने क्या आएगा, रिया कौन है, रियाज फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा सी। फिर है भुज, तो भुज के सामने हम क्या बोल लिखेंगे, मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, तो डी आएगा, मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। फिर है 3 नंबर, दे मेक सॉल्ट पैंस, तो वो सॉल्ट की पैंस बनाते हैं, सॉल्ट की जो पैन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट मेकर, ए आएगा, अग्यारियस। फिर है 4 नंबर, सूरज बारी ब्रिज क्या है, एंट्रेंस ऑफ कच्छ, तो उसको बोलते हैं एंट्रेंस ऑफ कच्छ। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है, 1 नंबर में सी, 2 नंबर में डी, 3 नंबर में ए एंड 4 नंबर में बी, इस तरह से आपका आएगा यहाँ पे। देन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस, हमें 1 or 2 सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, इन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड, आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया हुआ है। तो ये मैंने ये आंसर ऐसे लिखा है कि आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स, फ्रॉम बाइसिकल स्कूटर ऑटो रिक्शा बस कार ट्रेन कैमल कार्ड बुल्लक कार्ड एक्सेट्रा, यानी इन सब में मैंने ट्रैवल किया है। लगभग हाँ सब लोगों ने इन सब में तो ट्रैवल किया ही होता है। ओके, तो मैंने ये लिखा। देन 2 नंबर, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस, यानी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो कहाँ से लेके कहाँ तक आपने ट्रैवल किया हुआ है। तो मेरा आंसर है, आंसर ये आएगा कि यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन व्हेन वी हैड टू गो टू माय अंकल्स हाउस इन अहमदाबाद, वी हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद इन ट्रेन, तो हम जब हमारे अंकल के यहाँ जा रहे थे तब हमने कहाँ से, पालनपुर से अहमदाबाद तक ट्रेन का सफ़र किया था। 3 नंबर है हमारा यहाँ पे, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज जिया'स फैमिली गोइंग फॉर अ हॉलीडे, यानी जिया की फैमिली हॉलीडे के लिए, छुट्टियों के लिए कहाँ जा रही थी। तो जियाज फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ हॉलीडे टू दमन, वो लोग कहाँ जा रहे थे, जिया की फैमिली दमन जा रहे थे। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड जिया टेल रिया टू डू फॉर रिमेंबरिंग द जर्नी, तो जिया ने रिया को मुसाफरी जो वो ट्रैवल कर रहे थे उसको याद रखने के लिए क्या करने के लिए कहा। तो आंसर आएगा, फॉर रिमेंबरिंग द जर्नी जिया टोल्ड रिया टू राइट ऑल द डिटेल्स इन अ डायरी, क्लिक फोटोग्राफ एंड रिकॉर्ड वीडियोस ऑन हर सेल फोन, यानी उसने क्या बोला, डायरी में सारी डिटेल्स लिखनी है और फोटो क्लिक करने हैं और वीडियोस बनाने हैं अपने फ़ोन में ताकि वो जर्नी उनको याद रहे। देन 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन, यानी रिया की फैमिली कैसे रेलवे स्टेशन पहुंची। तो आंसर आएगा, रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन इन एन ऑटो रिक्शा, यानी रिया की फैमिली ऑटो रिक्शा में स्टेशन तक पहुंची। हमें घर से स्टेशन तक तो जाना पड़ता है, शायद हमारे घर पे कोई होता है या कार होती है तो हम बाय कार पहुंचते हैं, और अगर पूरी फैमिली जा रही होती है
तो हम रेंट रेंट से कार मंगवाते हैं या ऑटो रिक्शा बुलाते हैं या ऑटो रिक्शा से जाते हैं, हमें किसी ना किसी व्हीकल में तो रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। देन 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु इज द पर्सन इन द ट्रेन वेयरिंग अ ब्लैक ब्लैक कोट कोट विच टू विथ टूर्स एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉरी ट्राउजर एंड स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हिज हेड, वॉट डिड ही डू। यानी ट्रेन में जो पर्सन होता है, कौन वो पर्सन होता है जो ब्लैक कोट पहनता है और ट्राउजर मतलब पैंट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है, और जिसके सर पर स्पेशल काइंड यानी स्पेशल तरह की कैप होती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो द पर्सन इन द ट्रेन वेयरिंग अ ब्लैक कोट वाइट ट्राउजर एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हीज हेड इज द टिकट चेकर। तो वो कौन होता है, टिकट चेकर होता है। ओके वो टिकट चेकर होता है। ही आस्क ईच पैसेंजर फॉर द टिकट एंड चेक इट। वो हर एक पर्सन को टिकट के लिए पूछता है और टिकट चेक करता है। अगर हम हाँ बोलते हैं तो वो हमारी टिकट मांग के चेक करता है। अगर हमारी हमारे पास टिकट नहीं होती, हम ऐसे ही सफ़र करते हैं, तो वो हमें पेनल्टी भी कर सकता है या फिर पैसे लेके हमें टिकट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें वो ट्रीट करता है। ओके फिर है 7 नंबर, विच रेलवे स्टेशन आर नोन एज जंक्शंस। यानी कौन से रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोला जंक्शन कहा जाता है। रेलवे स्टेशन फ्रॉम विच टू और मोर रेलवे लाइन्स सेपरेटेड एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन आर नोन एज जंक्शन। यहाँ पे आपको यही सेंटेंस यहाँ पे लिख लेना है, नोन एज जंक्शन। यानी रेलवे स्टेशन फ्रॉम विच टू और मोर रेलवे लाइन्स, यानी मैंने पहले जैसे आपको बताया ना कि जंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत सारी रेलवे की लाइन्स होती है, ट्रैक्स होते हैं और प्लेटफॉर्म भी उतने ही बने होते हैं, जिससे क्या होता है सब जगह से ट्रेन वहाँ पे आके रुक सकती है और वही ट्रैक पे ट्रेन आगे जाती है और आगे जाके वो ट्रेन के ट्रैक्स कम हो जाते हैं, पर ट्रेन के ट्रैक्स बहुत सारे होते हैं, टू और मोर। पर अभी तो जहाँ पे जंक्शंस होते हैं वहाँ पे टू और मोर नहीं, बहुत सारे ट्रैक्स बनाए जाते हैं ताकि ट्रेनों की आवाजाही में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और असुविधा ना हो। 8 नंबर ये है, 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है वो ये है, बाय विच अदर नेम इज द सूरज बारी ब्रिज नोन। यानी सूरज बारी ब्रिज और किस तरह से किस नाम से मशहूर है या किस नाम से बुलाया जाता है उसको। तो द सूरज बारी ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, उसको कच्छ एंट्रेंस की तरह भी बुलाया जाता है। देन 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेशन डिड रिया सी ऑन द वे फ्रॉम गांधीनगर टू अहमदाबाद। यानी कौन से स्टेशन से रिया की फैमिली गांधीनगर से अहमदाबाद जा रहे, सी ऑन द वे फ्रॉम गांधीनगर टू अहमदाबाद। तो रिया की फैमिली गांधीनगर से अहमदाबाद किस वे से, सी ऑन द वे यानी कौन से रास्ते से गए थे। तो रिया सॉ सामख्याना जंक्शन अहमदाबाद एंड नंदियाल स्टेशन ऑन द वे फॉर गांधीनगर टू अहमदाबाद। तो रिया ने क्या देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन है, रिया ने रास्ते में क्या क्या देखा था गांधीनगर से अहमदाबाद के रास्ते में। तो रिया ने क्या क्या देखा है, अहमदाबाद सामख्याना जंक्शन अहमदाबाद एंड नंदियाल स्टेशन ऑन द वे ऑफ गांधीनगर। देन 10 नंबर है हमारा, क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू टू रेलवे लाइन्स गो विच सेपरेटेड फ्रॉम सामख्याना जंक्शन।
तो सामाख्याना जंक्शन से कौन सी दो लाइन अलग हो जाती है? तो टू रेलवे लाइन सेपरेटेड फ्रॉम सामाख्याना जंक्शन, वन ऑफ द कम टॉवर्ड्स अहमदाबाद एंड द अदर ऑन द गोज टू टॉवर्ड्स पालनपुर। यानी एक एक ट्रैक कहाँ पे जाता है? अहमदाबाद, और दूसरा का कहाँ जाता है? पालनपुर। यानी दो ट्रैक्स होते हैं, दो है जंक्शन पे दो ट्रैक है, तो एक जो अहमदाबाद के लिए जाता है और एक पालनपुर। इलेवन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इज देयर अ सी नियर कच्छ? इफ यस देन विच? तो कच्छ के नजदीक सी है, दरिया है वहां पे, और है तो कौन सा? अगर यस है तो कौन सा है? तो यस देयर इज अ सी नियर कच्छ, कच्छ के नजदीक दरिया है। इट नोन एज द गुल्फ ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ कच्छ बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कच्छ का जो लास्ट पार्ट है, यानी कि कच्छ कच्छ आप कभी जाओगे तो उसका एक कॉर्नर है जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको दोनों साइड पे रोड है, एक एक बीच में रोड है, और दोनों साइड पे वहाँ पे सी है, दरिया है, और बीच में रोड जाता है। ऐसी भी एक जगह वहाँ पे कच्छ में है जो जो माता के मढ़ से आगे आप जब जाते हो ना, वहाँ पे वो आपको वो दिखेगी। भुज से आगे आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है। तो ये एक बहुत सुंदर जगह है जिसको आपको कभी जाओ तो उसको देखना चाहिए। और ये है हमारा लेसन नंबर 6, यहाँ पे कंप्लीट हुआ वर्कबुक एक्सप्लेनेशन। सो यू राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।